यूं तो अकेला हूँ अक्सर, गिर के संभल सकता हूँ मैं। इस बार ना मेरी जो ईद है वो ना बिल्कुल घर में अकेले हुई है। जावेद और मुजाहिद और दिशांत और अरमान भैया के साथ ही हुई है। क्या मस्त लगता है, घर जो पूरा साफ रहता है। पापा के साथ में नमाज पढ़ने जाएंगे, आबिद के साथ में नमाज पढ़ने जाएंगे और मम्मी की हाथ की खीर वगैरह खाएंगे। तो यार इस बार तो नसीब नहीं हुई। तो मेरे साथ में दिशांत भी है, तो दिशांत और मैं जाने वाले हैं गाइस बिरयानी खाने वाले। तो यार तुम्हारा भाई एकदम फुल पावर रेडी हो चुका है एंड खुद की सफाई करने के बाद में जो उसमें रहने का मजा है वो Hey guys, good morning, welcome back to the new episode guys। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड घर से। और जैसा कि आप सभी को पता है पहले व्लॉग में मैंने बताई दिया था घर पर कोई नहीं है। तो देखो आज ईद है तो आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो यार ये देखो घर ना पूरा खिंडा हुआ था, जैसे कि पता है आपको घर पे कोई नहीं है। तो आज ईद है तो मैंने फटाफट से सारा घर धो दिया और वो रहा कचरा सब तरफ से धो दिया। तो फिलहाल अभी फटाफट से वाइपर लगाते हैं और फिर उसके बाद में ईद की नमाज पढ़ने जाएंगे। अभी फिलहाल हो रहे हैं 7 बजे का ईद स्टार्ट किया था पूरा घर मैंने 7:30 बजे तक कंप्लीट धो दिया है एंड फटाफट से वाइपर लगाते हैं। उसके बाद में फिर 8:50 पे जमात खड़ी है ईद की, तो फिर उसके बाद में चलेंगे गाइस फटाफट से वाइपर लगाते हैं और फिर नहाते हैं और फिर जहां मम्मी पापा गए हैं वहां पे कॉल भी करते हैं, मम्मी पापा से बात करते हैं। फिलहाल वाइपर लगाने के बाद में फ्रेश फ्रूश होके नहा के जब नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे तब मिलते हैं गाइस आपसे। और देखो गाइस दिशांत भी है, दिशांत फिलहाल अभी दुकान के अंदर है। तो यार तुम्हारा भाई एकदम फुल पावर रेडी हो चुका है एंड वाइपर वगैरह जो था सब मार दिया भाई, पूरा क्लीन हो गया घर। तो फिलहाल अभी फटाफट से नमाज पढ़ने चलते हैं, 8:50 पे जमात खड़ी है, अभी 8:40 हो रही है। तो फटाफट से चलते हैं यार ईदगाह, फिर वहीं मिलते हैं। और भाई लोग भी आ रखे हैं खाला के यहाँ से, तो फिर फटाफट इन सबको लेते हैं और फिर चलते हैं खाला खाला घर पे। क्या फटाफट से चलते हैं ईदगाह में गाइस, लेट्स गो। तो यार अभी बस ईद की नमाज पढ़ के आया था और रिलेटिव के घर भी अभी जाकर आया हूँ। और भाई अभी घर आया हूँ, चेक करो भाई का भाई साहब कचरा देखो कहाँ से आया यार। वो देखो पन्ना वहां पे पड़ा, ये ऊपर से भाई साहब आंधी आई थी अभी थोड़ी देर पहले, मतलब कि हल्की सी हवा आई थी बहुत तेज वाली, थोड़ी देर आई थी बस। और भाई साहब देखो सारा कुछ खिंड गया इधर, फिर से झाड़ू लगाना पड़ेगा, पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई है भाई, करी किराए पे सारी मिट्टी फिर गई भाई साहब। तो ये देखो ये झाड़ू वगैरह, झाड़ू तो लगा दिए फिलहाल। अभी देखो अभी फर्श धोकर गया था, पूरा घर धोकर गया हूँ और अब देखो कितना कचरा भाई, कितनी मिट्टी निकली है, दिल पे ऐसे चोट लगती है ना भाई, पूरा घर साफ करके गया था। बाय द वे गाइस घर साफ साफ कितना मस्त लगता है ना। तो यार फिलहाल मैं अभी दुकान के अंदर बैठा हूँ और भाई मैं बता दूं वैसे इतने मैसेज आ रहे हैं ना, इतने मैसेज आ रहे हैं ईद के, जाहिद भाई ईद मुबारक, जाहिद भाई ईद मुबारक, सुबह आ रहे हैं, सुबह से आ रहे हैं गाइस। और मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मैं सुबह 7 बजे से जागा हूँ, लिटरली 6:30 बजे से काम कर रहा हूँ भाई, घर का पूरा घर जिचाया मैंने। और रात को तो मैं स्लेप वो किचन धो के आया था तो वैसे ही थका हुआ था और रात को 2:30 बजे सोया था, सुबह 6 बजे उठ गया और फिर 6 बजे गाइस घर पूरा साफ किया हूँ। और अभी फिलहाल दुकान खोल के बैठा हूँ, थोड़ी देर में दिशांत आने वाला है, फिलहाल दिशांत से मिलाएंगे आप। तो यार अभी का प्लान कुछ ऐसा है, हम लोग दुकान के अंदर बैठ कर अभी आए हैं और अभी टाइम हो चुका है दोपहर के 1:50 है एंड भूख भी बहुत लग गई है। तो मेरे साथ में दिशांत भी है, तो दिशांत और मैं जाने वाले हैं गाइज बिरयानी खाने वाले, तो फटाफट से चलते हैं बिरयानी खाते हैं। सो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं बिरयानी वाली शॉप पे और ये चेक करें भाई बंद पड़ी है ये ना, ये वाली जो शॉप है ये ना बिल्कुल मदीना मस्जिद के सामने है। देखो प्रेमनगर वाली जो मदीना मस्जिद है उसके बिल्कुल सामने। तो अभी फिलहाल हम लोग घर जा रहे हैं, घर से फिर पैसे वगैरह उठाते हैं और फिर चलते हैं बाजार, बाजार में बिरयानी खाएंगे, साथ में सामान वगैरह भी ले आएंगे। दुकान का जा ही रहे थे बिरयानी खाने तो मैंने सोचा कि दुकान का सामान भी ले ही लें, फिर 2 बार चक्कर लगेंगे फालतू में, तो एक बार में हो जाएगा। तो फिलहाल घर जा रहे हैं, अभी घर से पैसे वगैरह उठाते हैं और फिर दोनों काम एक साथ में ही करके आते हैं, लेट्स गो। अभी शाम के बज चुके हैं ऑलमोस्ट 6:30, तो फिलहाल अभी
जावेद और मुजाहिद और भी आ रखे हैं, तो हम लोग अभी इसके घर जाएंगे। और दोपहर को यार कुछ टाइम मैं सो गया था, फिलहाल बहुत ना थकान हो रही थी क्योंकि रात को भी फिर मैंने काम किया था परसों, और फिर कल ही किया था ना, कल रात को काम वगैरह किया था, आज सुबह भी भाई 6 बजे से लगा हुआ था काम करने के लिए। और फिलहाल अभी दुकान पे हूँ, तो पूरी दिन से दुकान खुली हुई है, तो फिलहाल अभी करते हैं इसको सेटल डाउन और फिर चलते हैं जावेद और मुजाहिद के घर। एंड यार मैं बताता चलता हूँ कि मम्मी पापा कहाँ गए हैं। मम्मी पापा ना एक्चुअली कोलकाता गए हैं नाना नानी के यहाँ। तो फिलहाल बता देता हूँ, थर्सडे को हुआ था ना, थर्सडे को जुमेरात को, तो जुमेरात को ना नाना जी एक्सपायर हो गए थे, तो इसी वजह से ना मम्मी पूरे घर वाले ना सभी कोलकाता गए हैं। तो यार बहुत ना बुरी फील आ रही है। तो यार अभी फिर इस बार ना मेरी जो ईद है वो ना बिल्कुल घर में अकेले हुई है, जावेद और मुजाहिद और दिशांत और अरमान भैया के साथ ही हुई है। मम्मी पापा घर में से परिवार में से यार कोई नहीं है इस बार, तो इतना बुरा फील हुआ ना। सोच रहा था कि पापा के साथ में नमाज पढ़ने जाएंगे, आबिद के साथ में नमाज पढ़ने जाएंगे और मम्मी की हाथ की खीर वगैरह खाएंगे, तो यार इस बार तो नसीब नहीं हुई, तो अगली बार तो होगी। तो फिलहाल अभी चलते हैं। एंड यार साथ ही में एक गुड न्यूज और दे देता हूँ मैं, मेरी मुंबई के जो टिकट है गाइज वो 6 तारीख को हो चुकी है, 6 तारीख को हम लोग मुंबई के लिए निकलने वाले हैं। फिलहाल अभी दुकान का सेटर भी लग चुका है, और भाई क्या मस्त लगता है, घर जो पूरा साफ रहता है भाई साहब, मजा आ रहा है यार, भयंकर पूरा साफ हो रखा है भाई, खुद की सफाई करने के बाद में जो उसमें रहने का मजा है, ओहो भाई साहब मजा ही आ जाता है। और भाई आज इतनी अच्छी नींद आई है ना, साफ सफाई करके बहुत मजेदार वाली नींद आई है। तो फिलहाल चलते हैं अभी फटाफट से, लेट्स गो। यार हम लोग घूमते घूमते आ चुके हैं सेंट्रल पार्क, और देखो हमारे साथ में सभी है, मुजाहिद, जावेद, दिशांत और मैं, तो अभी चलते हैं अंदर की तरफ में और फिर थोड़ा बहुत टहलते हैं भाई। जी गाइज हम आए थे पार्क में घूमने के लिए, और घूमते घूमते भाई अचानक से प्लान बना कि हम लोग बैठ के अंतराक्षरी खेलने वाले, तो मैं हूँ और एक के भैया है, मुजाहिद है, दिशांत है, जावेद है एंड अरमान भी है। तो फिलहाल हम लोग अभी अंतराक्षरी स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखो यार कितना मजा आता है, लेट्स गो। तो यार फिलहाल अभी मुजाहिद अंतराक्षरी स्टार्ट करने वाला है, जो भी बोलकर स्टार्ट किया जाता है तो मुजाहिद अभी स्टार्ट करेगा फटाफट से। देखो यार बिल्ली बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंतराक्षरी लेके प्रभु का नाम, बोलो राम राम राम। रैपे एक के भैया का है, तो एक के भैया भी रैपे गाने वाले हैं। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है, सबसे चुरा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार मेरे हद से भी गुजर जाना है, इतना प्यार किसी से पहली बार आया है। हैप्पी हैप्पी कौन गाएगा हैप्पी? हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा कभी हो जाएंगे तो तुझसे जरा मुखड़ा दिखा दो, पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार